हेलो गाइज, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 26 जून का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है, ट्विटर लॉक्स आईटी मिनिस्टर आउट ऑफ हिज अकाउंट, ही स्लैम्स वॉयलेशन ऑफ रूल्स। अब जो ट्विटर है, उन्होंने जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस हैं, तो उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था, लॉक कर दिया था एक घंटे के लिए। तो यहाँ पे कॉपीराइट वॉयलेशंस का ट्विटर ने बोला है कि अकाउंट के द्वारा कॉपीराइट वॉयलेशंस हुए थे। तो डीएमसीए रूल्स के अंतर्गत ऐसा किया गया था। तो डीएमसीए इज़ अ सेट ऑफ यूएस फेडरल लॉज दैट प्रोटेक्ट्स द कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल कॉन्टेंट ऑन द इंटरनेट। तो ट्विटर का ये कहना है, ये जो डीएमसीए रूल्स थे उसका वॉयलेशन था। तो जो डीएमसीए रूल्स हैं वो यूएस फेडरल लॉज में आते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी कंटेंट इंटरनेट पे है। और डीएमसीए वॉयलेशन इज मेड आउट अगेंस्ट अ यूज़र और वेबसाइट इफ़ समवन क्लेम्स दैट द यूज़र और द वेबसाइट पोस्टेड कॉन्टेंट दैट बिलोंग्स टू देम और टू समवन एल्स। तो अगर कोई ऐसा क्लेम करता है कि जो भी अकाउंट पर पड़ी है इन्फॉर्मेशन या जो भी कंटेंट पड़ा है वो किसी और का है, किसी और का कॉपीराइट है और ये कॉपीराइट को वॉयलेट कर रहा है, तो उस कंटेंट को ट्विटर हटा सकता है और उसके बेसिस पे अकाउंट को लॉक भी कर सकता है। तो स्पोक्स पर्सन फॉर ट्विटर सेड प्रसाद्स अकाउंट हैड बीन टेम्परली रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू अ नोटिस अंडर द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। तो डीएमसीए की फुल फॉर्म है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, जो कि यूएस फेडरल लॉज का एक सेट है जो कि प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो भी कॉन्टेंट इंटरनेट पे है। तो 2017 में जो मिनिस्टर, उन्होंने कोई वीडियो पोस्ट की होगी विजय दिवस की, वो कॉमेमोरेट करने के लिए इंडिया की विक्ट्री ओवर द पाकिस्तान 1971 में, जिसकी वजह से लिबरेशन होता है बांग्लादेश को, बांग्लादेश एक कंट्री की तरह आता है। अब इसमें कोई एक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया होगा जो कि ए आर रहमान के द्वारा कंपोज्ड था और उसका कॉपीराइट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री के पास था ऑन बिहाफ ऑफ द सोनी म्यूजिक। तो उन्होंने फिर कॉपीराइट वॉयलेशंस बताए होंगे, ये फ्लैग किया होगा ट्विटर के पास, इसलिए ट्विटर ने अकाउंट लॉक किया, ट्विटर का ऐसा कहना है। अब मिनिस्टर का क्या कहना है, मिनिस्टर का ये कहना है, ट्विटर हैज़ बीन एट लॉगरहेड्स विद द गवर्नमेंट ओवर मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ लोकल ऑफिसर्स इन इंडिया। तो ये जो ट्विटर है वो आईटी रूल्स नहीं मान रहा है, अभी तक उसने रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर भी नहीं अपॉइंट किया है। साथ ही नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फॉर इंडिया मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव मेंटेन्ड दैट सिंस द अपॉइंटमेंट्स आर नॉट इन लाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आईटी रूल्स। अब ट्विटर का तो ये कहना है ये अपॉइंट कर दिया गया है, पर मिनिस्ट्री का ये कहना है ये जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं ट्विटर ने, ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस को यहाँ पर अपॉइंट किया है, जबकि यहाँ पर कोई रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए था। तो जो माना भी है ट्विटर ने सारे रूल्स, लेकिन सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, इसलिए ट्विटर का जो सेफ हार्बर है वो भी ले लिया गया था। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ट इन इंडिया विल बी रेडी नेक्स्ट ईयर। तो अब इंडिया अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जिसका नाम INS विक्रांत है और वो लाइकली टू बी कमीशन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर तक वो कमीशन हो जाएगा। अभी एट प्रेजेंट इंडिया के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि रशियन ओरिजिन का है, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, और अब हमारे पास दूसरा आने वाला है जो कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जिसका नाम INS विक्रांत है। अब हम थर्ड न्यूज़ पे चलते हैं, डेली ओटू ऑडिट स्प्लिट्स एससी पैनल ट्रिगर्स फायर स्टॉर्म बाय क्वेश्चनिंग पीक डिमांड। अब एक इंटरिम रिपोर्ट है सब ग्रुप की जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये बोला गया है कि जो सेकेंड वेव के टाइम दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन डिमांड बताई थी वो बहुत इन्फ्लेट करके बताई थी, एक्चुअली उतनी ऑक्सीजन डिमांड थी ही नहीं। तो एन इंटरिम रिपोर्ट ऑफ अ सब ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट लास्ट मंथ फॉर द ऑक्सीजन ऑडिट ऑफ दिल्ली हैज सेट ऑफ अ पॉलिटिकल फायर स्टॉर्म बाय क्वेश्चनिंग द दिल्ली गवर्नमेंट्स डिमांड फॉर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ड्यूरिंग द पीक ऑफ द सेकेंड COVID-19 वेव। तो जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी सुप्रीम कोर्ट को, उसमें सारे मेंबर्स ने उसमें एग्री नहीं किया था, ठीक है, ऑल्सो लेड टू द डिवीजन विद इन द 5 मेंबर्स सब ग्रुप विद इन 2 मेंबर्स, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ सब ग्रुप फाइल डिसेंट आप इन बीजेपी ट्रेड वर्ड्स। तो फिर उसके बाद ये है कि अब जो दिल्ली के मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, अब कश्मीर की कल मीटिंग हुई थी, कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी। तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि इट टुक द बीजेपी 70 ईयर्स टू फुलफिल इट्स पॉलिटिकल एजेंडा फॉर आर्टिकल 370, आवर स्ट्रगल हैज जस्ट स्टार्टेड, वी डू नॉट वांट टू फूल पीपल बाय टेलिंग देम वी विल गेट 370 बैक इन दी स्टॉक्स। तो बेसिकली इनका ये कहना है जो 370 है वो सेंटर नहीं वापस लाएगी, उसका ऐसा इनका ऐसा मानना है कि सेंटर नहीं लाने वाली, हमें अगर 370 वापस मिल सकता है तो वो कोर्ट्स के थ्रू ही मिल सकता है, इसलिए हमने कोर्ट्स में इसके लिए प्ली भी जारी की है कि 370 को वापस लाया जाए, क्योंकि ये बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया था। इसके बारे में हम एक आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। अब 21 ईयर ओल्ड फ्रॉम बंगलुरु हु ब्लू विसिल ऑन ओलंपिक क्वालिफायर।
अब यहाँ पर ये पता चलता है, जैसे उज्बेकिस्तान में जब ओलंपिक क्वालिफिकेशन मीट हुई थी तो वहाँ पर उज्बेकिस्तान चाहता था कि जो उनके होम स्विमर्स हैं उनको एज मिले, इसीलिए उन्होंने रेस टाइमिंग्स को मैनिपुलेट कर दिया था। तो दिस वॉज वन ऑफ द मेनी बिजार सिक्वेंसेज दैट प्लेड आउट एट एन इंटरनेशनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन मीट इन उज्बेकिस्तान इन अप्रैल व्हेन लिखित कॉल्ड आउट अटेम्प्ट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ऑफिशियल्स टू मैनिपुलेट रेस टाइमिंग्स टू एड द होम स्विमर्स। क्योंकि अब उनको ये बोला गया था कि लगभग उनको 10 उज्बेकी स्विमर्स को टोक्यो ओलंपिक्स में भेजना है, तो इसीलिए वो वहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे थे रेस टाइमिंग्स को। साथ ही जो इंडिया की वहाँ पर स्विमर थी साजन प्रकाश, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनकी जो टाइमिंग्स थी उनको टेम्पर किया गया था। लेकिन अब लिखित ने इसके लिए फिर विसल ब्लोइंग की है, तो अभी ये सारी चीज़ें पता चली हैं। दे ऑफर्ड मी मनी टू शट अप, तो इनको पैसे भी ऑफर किए गए थे। दे सेड वी हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन वाई यू डिडंट स्विम एंड जस्ट स्टूड देयर ऑन द ब्लॉक, सो दे केम अप विद दिस आइडिया। तो इनको बोला गया था ब्रिटेन में दे दो कि आप मेंटली इल और डेफ हो इसलिए आप नहीं मूव कर पाए, लेकिन अब इन्होंने विसल ब्लोइंग कर दी है कि वहाँ पर उज़्बेकिस्तान कैसे अपने होम स्विमर्स को सपोर्ट कर रहा था, एक एज देने की कोशिश कर रहा था कि वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो जाए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर अभी दिल्ली ने नॉन कार्ड होल्डर्स के लिए राशन की सुविधा की थी कि आपको हम 5 किलोग्राम का अनाज देंगे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये जो आपने नॉन पीडीएस होल्डर्स में 20 लाख की कैप रखी तो आप इस 20 लाख की कैप तक पहुँचे कैसे। तो दिल्ली हाई कोर्ट फ्राइडे सेड द दिल्ली गवर्नमेंट मस्ट राइज अप टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट फूड ग्रेन टू रिक्वेस्ट नंबर ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द पैंडमिक इन द नेशनल कैपिटल एंड क्वेश्चन द स्टेट्स डिसीजन ऑफ लिमिटिंग द बेनिफिट ऑफ इट्स रीसेंट नॉन पीडीएस स्कीम टू ओनली 20 लाख बेनिफिशियरीज। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है दिल्ली गवर्नमेंट को कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए और फूड ग्रेन उन सब लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए जो कि पैंडमिक के द्वारा हिट हुए और उनको एडिक्वेट फूड ग्रेन की जरूरत है। तो ये जो आपने 20 लाख बेनिफिशियरीज तक ही सीमित रखी है अपनी स्कीम, तो ऐसा क्यों है, इसको आप बढ़ाएं। अब यहाँ पर ये भी बोला गया हु कैन बी गिवन राशन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ राशन कार्ड्स। तो बेसिकली जो पीडीएस बेनिफिट जिनको मिलता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत उनके पास राशन कार्ड होना जरूरी है, लेकिन जो दिल्ली की स्कीम है उसमें अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं भी है तो भी आपको 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा। और लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इसमें बेनिफिशियरी की लिमिट रख दी थी कि 20 लाख लोगों तक को ही मिलेगा। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो क्वेश्चन्ड द रैशनल बिहाइंड लिमिटिंग द बेनिफिट इज अ वन टाइम रिलीफ मीजर। और साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट का ये भी कहना है जो आपको 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा एक ही बार मिलेगा, तो इस बात पे भी क्वेश्चन किया गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, सिर्फ एक ही बार क्यों आप बेनिफिट देंगे, आपको फिर थोड़े टाइम तक चलाने चाहिए जब तक COVID-19 की सेकेंड वेव अच्छी तरीके से वेन नहीं हो जाती है। तो अंडर द स्कीम द स्टेट लास्ट मंथ डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स। तो इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि वो 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स फ्री में देंगी, जिसमें 4 किलोग्राम वीट और 1 किलोग्राम राइस देंगी हर बेनिफिशियरी को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। अब जो 20 लाख नंबर जिस पर दिल्ली गवर्नमेंट पहुंची है, तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है कि बहुत ही आर्बिट्रेरी और एडहॉक है। द कोर्ट सेड इवन ऑन अ ब्रॉड ब्रश बेसिस अगर उससे भी जाएं तो 20 लाख बहुत ही कम नंबर है, ये सब्सटेंशियल अंडर एस्टिमेशन है उन लोगों का कि इनके पास पीडीएस बेनिफिशियरीज ये नहीं है, इनके पास राशन कार्ड नहीं, इससे तो ज़्यादा ही होंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने कोर्ट को ये बोला स्टेट कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है टू प्लेस द कैप वो सिचुएशन को देखते हुए ही लिया है, जो सेकंड वेव है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वेव ऑफ द पैंडेमिक। फर्स्ट वेव में ज़्यादातर माइग्रेंट्स यहाँ पर थे, स्टक हो गए थे, लेकिन इस बार माइग्रेंट्स ज़्यादातर नहीं यहाँ पर स्टक हुए, इसकी वजह से हमने 20 लाख कैप रखी गई है। अब कोर्ट ने ये भी बोला कि हम जुडिशियल रीस्ट्रेन करना चाहते हैं एक्सरसाइज, और हम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच की जो लाइन है, जो पावर सेपरेटेड है, हम उसको क्रॉस नहीं करना चाहते, इसीलिए हम गवर्नमेंट के अप्रूवल का वेट करें कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, उसके बाद सारे डिसीजन लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर अब कोई भी न्यूज़ नहीं है। ऑक्सीजन रिपोर्ट वाली बात मैंने आपको बता दी कि ऑक्सीजन रिपोर्ट जो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी हैव नॉट साइंड और अप्रूव्ड द इंटरिम रिपोर्ट। तो अब जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका ये कहना है जो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी जिसकी बात की जा रही है, जिस रिपोर्ट की बात की जा रही है, उसे साइन या अप्रूव किया ही नहीं गया था। बाकी फिर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि बहुत सारे स्टेट्स की जो ऑक्सीजन सप्लाई थी वो इफेक्ट हो गई थी कि दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को इन्फ्लेट करके बताया था, जिसके कारण बाकी स्टेट्स की ऑक्सीजन सप्लाई कम करके दिल्ली को देनी पड़ रही थी। तो 12 स्टेट्स वर अफेक्टेड एज ऑक्सीजन सप्लाई वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम दोज प्लेसेस टू मीट द नीड्स ऑफ द नेशनल कैपिटल। तो इसकी वजह से यू आर प्रोवाइडिंग इनकॉम्पिटेंट, यू हैड टू शिफ्ट ब्लेम एंड दैट फॉर यू प्रेस द फॉल्स अलार्म एंड स्प्रेड पैनिक अक्रॉस द कंट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस हम आगे चलते हैं। इस पेज पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म, अब जैसे टूरिज्म पर कभी कुछ आता है तो रिलीजियस टूरिज्म भी एक पॉइंट हो सकता है। तो कंटिन्यूइंग विद इट्स पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग रिलीजियस टूरिज्म इन द स्टेट, द उत्तर प्रदेश कैबिनेट ऑन फ्राइडे गेव इट्स नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विंध्या धाम डेवलपमेंट काउंसिल। तो विंध्या धाम डेवलपमेंट काउंसिल और साथ ही चित्रकूट धाम डेवलपमेंट काउंसिल को डेवलप करने की जा रही है ताकि रिलीजियस टूरिज्म बढ़े। डिसीजन लिया गया था कैबिनेट मिनिस्ट्री यूपी में चेयर्ड बाई चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो द माँ विंध्यवासिनी टेम्पल विंध्याचल लोकेटेड इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, ये प्रोमिनेंट रिलीजियस प्लेस है हिंदूज का, और जो चित्रकूट है वो भी एक दूसरे रिलीजियस हब है, तो उनको डेवलप किया जाएगा।
अब स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में सूरत ने टॉप किया है, तो सूरत हैज इमर्ज्ड एज द टॉप अमंग इंडियन सिटीज टू हैव सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड गवर्नेंस थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यूज ऑफ डेटा। तो डेटा को यूज करके कैसे गवर्नेंस इंप्रूव किया जाता है, तो उसमें सूरत नंबर वन आया है, स्पेशली थ्रू बिग डेटा क्रंचिंग अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल असेसमेंट रिलीज फ्राइडे। एज मैनी एज 42 इन अ लिस्ट ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज हैव बीन सर्टिफाइड एज हैविंग पुट इन प्लेस सिस्टम। तो जो 100 स्मार्ट सिटीज डेवलप करने थे उसमें से लगभग 42 ऐसे स्मार्ट सिटीज हैं जिन्होंने डेटा बेस्ड एविडेंस सिस्टम को यूज करना शुरू कर दिया गवर्नेंस डिलीवरी के लिए अंडर द सेकंड राउंड ऑफ द डेटा मेच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर हम गुजरात के सूरत के देखें तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे, तो पिंपरी चिंचवाड़ इन महाराष्ट्र एंड भोपाल इन मध्य प्रदेश और पुणे को फोर्थ स्पॉट मिला था। सूरत बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लिए हैं, एक डेडिकेटेड टीम बनाई है डेटा एक्सपर्ट्स की और वेरियस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का यूज़ किया है गवर्नेंस को डिलीवर करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिल्ड ऑन बिगनिंग। तो अभी जो कल पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके बारे में ही है कि जो मोदी गवर्नमेंट का एक प्लान है वो समझ आता है कि उनको डिलिमिटेशन करना है, साथ ही असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट कराने, रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। अब इसकी टाइमलाइन कैसी रहने वाली ये अभी क्लियर नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह की ये प्रायोरिटी है कि डिलिमिटेशन प्रायोरिटी है हमारी। द J&K लीडर्स अपीयर टू बी इन जनरल एग्रीमेंट विद द ब्रॉड काउंटर्स दो सम माइट वॉन्ट द ऑर्डरिंग टू बी डिफरेंट। अब जो J&K लीडरशिप है तो उनकी भी यही डिमांड्स हैं कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें स्टेट होड इलेक्शन सबसे पहले और डीलिमिटेशन सबसे लास्ट में, बस उनकी जो टाइम लाइन है वो अलग है। देर इज ऑल्सो सेंस दैट पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज इज इन द ओन इंटरेस्ट। अभी हम देखें, इफ उनको ये पता चल गया कि आर्टिकल 370 सेंटर के द्वारा तो नहीं वापस आने वाला, इफ एट ऑल देर इज अ रिवर्सल इट विल कम थ्रू द कोर्ट्स। उन्हें पता है कि अगर रिवर्सल होगा आर्टिकल 370 जो हटाया गया वो वापस लाया जाएगा, तो वो कोर्ट्स के द्वारा ही लाया जा सकता है। अब ऑथर ने बोला जो J&K लीडर्स जिनको इतने टाइम तक डिटेन किया गया, उनके पब्लिक ह्यूमिलेशन किया गया, उसके बाद भी वो लोग मीटिंग में आए, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ही पता चलता है इट इज़ अ मेजर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड कमिटमेंट टू द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम। तो दैट द J&K लीडर्स डिसाइडेड टू अटेंड दिस मीटिंग डिस्पाइट देयर पब्लिक ह्यूमिलेशन ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स, तो इससे ये दिखाता है कि वो कितने इन्वेस्टेड और कितने कमिटेड है पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम के लिए। अब ऑथर ने बोला कि आगे का क्या स्लियो फैक्शंस होना चाहिए, तो इट मस्ट कमिट टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एंगेजमेंट। अभी जो दिल्ली की लीडरशिप है और जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है वो कंटिन्यूस एंगेजमेंट में जुड़े रहे। अगस्त 2019 के डिसीजन के बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया था बिटवीन द सेंटर और जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप है, तो दोज हुज कोऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी नाउ सीक्स हैव टेकन एन एनॉर्मस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क बोथ इन दिल्ली एंड इन कश्मीर, एंड इट इज़ हिज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल स्पेशली एज इट होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। तो अब बेसिकली ऑथर का ये कहना है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब कोऑपरेशन दिखाई है, तो वो कोऑपरेशन उन्हें दिखानी चाहिए क्योंकि अब उनकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे वापस से ब्रिज किया जाए। तो देर आर सम ओवर आर्किंग टेक अवेज फ्रॉम थर्सडेज मीटिंग। वन द कश्मीर प्रॉब्लम नीड्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। पहला ऑथर ने ये बोला जो कश्मीर की प्रॉब्लम है उसके लिए पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्विक फिक्सेस नहीं, जैसे आर्टिकल 370 हटा दिया तो वहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, उसके लिए हमें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहिए और साथ ही जो अनअकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी है उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। दूसरा, न्यू लीडर्स कांट बी क्रिएटेड ओवरनाइट। आप नए लीडर्स क्रिएट करके वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज नहीं कर सकते, जो वहाँ पे लीडर्स हैं उनका ही यूज़ करना पड़ेगा हमें नया कश्मीर अगर बनाना भी है तो। अब तक ग्रेट केरला इनक्वालिटी, अब केरला में जो डाउरी डेथ्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल है। तो द रिसेंट सीरीज ऑफ एलेज्ड सुसाइड्स बाय यंग वुमेन ड्यू टू डाउरी रिलेटेड वायलेंस एंड द इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस ईच हैड टू एनकाउंटर रिवील क्रैक्स इन द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ केरला। तो इससे पता चलता है कि सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक जो केरला की उसमें कितने ज़्यादा क्रैक्स हैं। अभी रिसेंटली 24 ईयर ओल्ड BAMS स्टूडेंट थी, तो उसने सुसाइड कर दिया, तो चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने उसके लिए फिर एक राउंड द क्लॉक पुलिस हेल्पलाइन अनाउंस की है। अगर कोई भी वुमेन जिसको डाउरी रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो तुरंत इस पर कॉल कर सकती है इस हेल्पलाइन पे। तो ऑथर ने बोला जो केरला का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है हाई सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है। अगर नीति आयोग के रैंकिंग में भी देखो तो ज़्यादातर केरला हमेशा फर्स्ट पर ही रहता है। फीमेल लिटरेसी केरला में सबसे हाईएस्ट है, मोर देन 95%, और स्टेट का सेक्स रेशियो भी बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो उनका कुडुमश्री जो विमेन कलेक्टिव प्लान है उसको तक इंटरनेशनल अटेंशन मिल चुकी है। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद भी वहाँ पर इतना ज़्यादा एलेज्ड वॉयलेंस क्यों है विमेन के लिए, तो ये पता चलता है हमें। बट क्राइम अगेंस्ट विमेन आर इंक्रीजिंग इन द स्टेट फॉर द लेटेस्ट NCRB डेटा। तो अगर हम NCRB डेटा देखें तो वहाँ पर विमेन के अगेंस्ट क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। दो डाउरी डेथ्स स्मॉल इन नंबर, अगर हम डाउरी डेथ्स देखें तो हमें कम दिखती है, लेकिन अगर हम उसकी प्रॉक्सी देखें, फॉर एग्जांपल कि हस्बैंड और रिलेटिव्स क्रुएलिटी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है। 2715 केसेस हैं 2020 में, तो इसको हम डाउरी डेथ्स का प्रॉक्सी मान सकते हैं क्योंकि कुछ वेमेन होती हैं वो नहीं पुलिस में कंप्लेंट कराती हैं डाउरी डेथ्स की।
अब केरला डेवलपमेंट अचीवमेंट्स लार्जली एट्रीब्यूटेड टू प्रोग्रेसिव सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। अब जो केरला के डेवलपमेंट अचीवमेंट्स हैं उनको हम बोल सकते हैं वहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स की वजह से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट अचीवमेंट हुआ है, बट नन ऑफ देम टुक द जेंडर क्वेश्चन सीरियसली। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर जो जेंडर क्वेश्चन है उसे सीरियसली नहीं लिया गया। वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो क्लास और कास्ट की है वो एड्रेस हुई, जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन खत्म हुआ। सॉरी, वहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कास्ट और क्लास की तो एड्रेस हुई, लेकिन जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन अभी तक वहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया है। वहाँ पे जो मिडिल क्लास इनकम ग्रो हुआ है, वहाँ पे रेमिटेंस इनकम आती है, मिडिल क्लास के इनकम की ग्रो हुआ है, लेकिन जो कंट्रोल्स ऑन गर्ल एंड वुमेन वर रीडिफाइंड, लेकिन जो गर्ल और वुमेन पे कंट्रोल है वो आज तक वैसे ही है। दो गर्ल्स आर अलाउड टू परस्यू देयर एजुकेशन, ठीक है, गर्ल्स को अलाउड कि वो अपनी एजुकेशन परस्यू करती, तभी वहाँ पे गर्ल्स का लिटरेसी रेट 95% से भी ज़्यादा है। लेकिन मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स आर गिवन प्रायोरिटी ओवर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, लेकिन अगर आपको अपनी लड़की को जॉब दिलवानी है मैरिज प्रॉस्पेक्ट, तो वो मैरिज प्रॉस्पेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। द इंक्रीज डिमांड फॉर टीचर्स इन द मैरिज मार्केट एंड द रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स इकोनॉमिक चॉइसेस और द विड्रॉल फ्रॉम एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आफ्टर मैरिज आर ऑल इंडिकेटर्स ऑफ ए जेंडर्ड सोशल फैब्रिक। तो हमें ये पता चलता है जो केरला में ह्यूमन और सोशल डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही जेंडर्ड है, जिसमें जो वुमेन है उसको अपने राइट्स नहीं मिलते, वो अपनी चॉइसेस नहीं परस्यू कर सकती कि उसे क्या करना है। The average Keralaite has no shame in declaring how much a man has been able to wrangle from the wife's family in a marriage. तो जो average Keralaite है उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं इस बात में declare करने के लिए कि उसको wife's की family से कितना पैसा मिला शादी करने पे। Girls' families also take pride in their ability to get their daughter married off to a man. जो वहाँ की लड़कियों के परिवार उनको भी लगता है कि हमने इस आदमी से शादी कर ली और इसका social economic status इतना है, भले ही वो इतने सारे उसको दहेज दे दें कि वो खुद डेट ट्रैप में चले जाए, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो शो ऑफ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों की फैमिलीज को ब्लेम करने वाली बात है। तो एक्सपेंडिचर ऑन वेडिंग्स हैज इंक्रीज्ड ओवर टाइम विद गोल्ड बीइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्सचेंज। गोल्ड तो बहुत ज्यादा एक्सचेंज होता ही है। विमेन मे नॉट फेस मच डिस्क्रिमिनेशन एज चिल्ड्रन, बट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग देम टू ग्रेजुएट टू द रोल ऑफ ए वाइफ बिगिंस अर्ली। अ गर्ल्स हायर एजुकेशन इज यूजली डिपेंडेंट ऑन मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स। अगर विड्रॉल ओवर टाइम फ्रॉम द इकोनॉमिक स्फीयर कंप्लीटली और पार्शली, और थोड़े टाइम में जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अपनी हाउस होल्ड प्रायोरिटी ऊपर रखने लगती हैं और जो उनकी इकोनॉमिक स्फीयर है उससे वो बाहर आ जाते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वुमेन का वो भी कम है, इज ऑल्सो वन रीजन फॉर इंक्रीज डाउरी डिमांड्स। इवन वेन वुमेन अर्न दे रेयरली हैव एन इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। अगर वहाँ पर वुमेन अर्न भी कर रही है मैन के बराबर ही, लेकिन उसके बाद भी डिसीजन मेकिंग में उसका इक्वल रोल नहीं होता है, और ज़्यादातर जो मैन कहता है तो वो उसी के लिए मान जाती है, एग्री कर देती है। अब हिपोक्रेसी यहाँ से समझ आती है। ऑन द वन हैंड ही शी विल बी सोशली एंड पॉलिटिकल कॉन्शियस। तो वहाँ पे अगर वुमेन होगी वो सोशली और पॉलिटिकल कॉन्शियस होगी। अगर आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल, इसकी अपनी सोच है, लेकिन ये सब उसकी पब्लिक लाइफ में। अगर आप पर्सनल लाइफ में जाओ तो नन ऑफ दीज वैल्यूज आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंसान जो पढ़ रहा है और जो समझ रहा है उसको अपने पर्सनल लाइफ में उस चीज़ों को नहीं प्रैक्टिस कर रहा है। Unless larger public action is directed at improving women's status at an overall level, though promoting women's equality in various fields of life ad hoc measures may not result in change. इसलिए important है girls को equip करना कि वो standard dowry और marriage system से भी, as well as question women's subordination at large, कि women वहाँ पे क्यों subordinate है, इस question का answer ढूंढने की ज़रूरत है और इसको address करने की ज़रूरत है। अब बाकी इमरजेंसी के 46 ईयर्स हुए हैं तो उस पर ये तीनों आर्टिकल उसी पर हैं, तो हम तीनों को मर्ज करके ही पढ़ लेंगे। तो देयर वर मेनी इवल्स इन्फ्लिक्टेड अपॉन आर नेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो ऑथर ने इसमें बेसिकली ये कंपेयर किया है जो कांग्रेस है वो कितने डायनेस्टिक है और कैसे वो पावर को असर्व करना चाहती है, ये सारी चीज़ें, और बीजेपी ऐसी नहीं है। पहले आर्टिकल में ये है, मतलब ऑथर के अपने अपने बाइसेस होते हैं। फिर सेकंड आर्टिकल में ये है कि बीजेपी के जो टाइम चल रहा है अभी उसमें कैसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है जो हमें पता नहीं, और जो थर्ड आर्टिकल उसमें पूरा बस इमरजेंसी की स्टोरी बताई गई है कि कैसे कैसे स्टोरी चली है। तो हम तीनों आर्टिकल पढ़ लेंगे, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं। तो देयर वर मेनी इवल्स इन्फ्लिक्टेड अपॉन आर नेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, द ब्लो इट डेल्ट टू आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर इंस्टीट्यूशंस इज टू वेल डॉक्यूमेंटेड टू बी रिपीटेड हियर, लेट अलोन अदर फंडामेंटल राइट्स, इवन द राइट टू लाइफ वाज टेकन अवे फ्रॉम द पीपल। तो ऑथर का कहना है कि बाकी फंडामेंटल राइट्स तो छोड़ी, तो राइट टू लाइफ तक ले लिया गया था लोगों से। तो ऑथर ने बोला जो कांग्रेस है उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से ही ये वाला माइंडसेट दिखता है कि वो पावर को असर्व करना चाहते थे। तो व्हेन इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू डिसमिस्ड गवर्नमेंट्स इन केरला एंड पंजाब, कि उन्होंने केरला और पंजाब की गवर्नमेंट्स को डिसमिस्ड कर दिया। और जब एक डिबेट हुई इंडिया और चाइना के बारे में कि इंडिया कितना प्रिपेयर है चाइना से लड़ने के लिए 1960s में, तो प्राइम मिनिस्टर का ये कहना था कि क्वेश्चनिंग द प्रिपेयरनेस अगेंस्ट चाइना वुड बी अकिन टू लोअरिंग द मोरल ऑफ द नेशन। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कितना प्रिपेयर है चाइना से लड़ने के लिए, तो जो आप कंट्री मैन का मोरल है वो डाउन कर रहे हैं। तो ऑथर ने एक इंस्टेंस ये बताया, टाइम एंड अगेन मैनी नेशनल एंड रीजनल लीडर्स हु डिड नॉट टो द नेहरू गांधी डायनेस्टीज लाइन वर ह्यूमिलेटेड एंड द पार्टी बिकेम द सोल प्रॉपर्टी ऑफ वन फैमिली। और धीरे धीरे जो पार्टी वो एक फैमिली की सोल प्रॉपर्टी बनती चली गई।
When Congress governments were at the center, president's rule was imposed on state a staggering 80+ times. जब Congress government center में होती थी तो वो president rule हर state में लगा ही देती थी, तो लगभग 80 बार लगाया गया। अगर हम देखें तो जो राजभवन है, जो गवर्नर ऑफिस है, उसको कांग्रेस एक डी फैक्टो पार्टी हेडक्वार्टर्स की तरह यूज़ कर रही थी। ऑथर ने बोला ये कांग्रेस का ही टाइम था जब अंडर इंदिरा गांधी डेट कॉल फॉर अ कमिटेड जुडिशरी एंड इवन वेंट अबाउट क्रिएटिंग इट। ठीक है, उन्होंने जजेस को सुपरसीड कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो सीनियर मोस्ट जज है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। द पनिशमेंट ऑफ जजेस लाइक जस्टिस एच आर खन्ना हु फेल टू फॉलो इन लाइन, तो उनके साथ ऐसा किया गया। अब ऑथर ने बोले आज भी चल रहा, इन द सोनिया गांधी एरा चीफ जस्टिसेस वर रैंडमली ट्रांसफर, चीफ जस्टिसेस को रैंडमली ट्रांसफर कर दिया जाता था। इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द कांग्रेस शेनानीगंज इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ऑथर ने बोला है अब कांग्रेस के हमने लोगों को देख लिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखते हैं जो कि राष्ट्र को सबसे ऊपर रखते हैं सारी चीज़ों से। दिस स्टेम्स फ्रॉम द बीजेपी पॉलिटिकल ट्रेडिशन दैट गेव अ पावर बट डिड नॉट गो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। जो कांग्रेस है वो पावर को सबसे ऊपर रखती है। पीएम मोदी पुल्ड आउट ऑफ ए कोएलिशन इन जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज द कोएलिशन पार्टनर वॉज स्टोन वॉलिंग द DDC पोल्स। ठीक है, इट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ द पीएम मोदी की हम देख रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखा, जैसे कि GST काउंसिल क्रिएट की गई, स्टेट्स को इंपॉर्टेंस दी गई, रूल्स अमेंड किए गए ताकि लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रोल रहे। फॉर एग्जाम्पल CBI अपॉइंटमेंट्स में भी लीडर ऑफ अपोजिशन का वोट लिया जाता है। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें बोली हैं। अब जो सेकंड आर्टिकल ऑथर ने ये बोला है कि जो 2014 है वहाँ पर एक हम अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की स्टेट जी रहे हैं 2014 के बाद से। अब ऑथर ने जैसे ये बताया है जो लीगल अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि UAPA में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में, उसकी वजह से जो फाइन बैलेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिसप्रूडेंस का वो डेट्रीमेंटल हो गया इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि अब UAPA के अंदर आप किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो। तो अमेंडमेंट दैट डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, तो ये बहुत ही ड्रकोनियन है। और साथ ही में शुड इंडिविजुअल्स भी लीगली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, अगर उनको वो कन्विक्ट नहीं हुए जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में, तो क्या उनको उससे पहले टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए? ये सही है? जो UAPA एक्ट है वो टेररिस्ट एक्ट को तो डिफाइन करता है, पर वो ये नहीं डिफाइन करता कि टेररिज्म की डिस्क्रिप्शन नहीं डिफाइन करता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन में है कि वो किसे टेररिज्म माने। तो द डिस्क्रिप्शन देयरफॉर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द NIA टू लेबल एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो ऑथर ने बोला है द लाइन बिटवीन द राइट टू डिसेंट एंड सिडिशन हैज बीन रूथलेसली ब्लर्ड। तो राइट टू डिसेंट, जो राइट टू प्रोटेस्ट इंसान के पास राइट है, और जो सिडिशन, उसके बीच की जो लाइन है उसको ब्लर कर दिया गया है। एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, पार्लियामेंटेरियंस, स्पोक्स पर्सन पॉलिटिकल पार्टीज का अगर कुछ भी बोलते हैं तो उनको रूटीनली हैरेस किया जाता है, उनके ऊपर FIRs लगा दी जाती है सिडिशन के लिए। अभी जैसे ऑथर ने ये बोला है, अभी जैसे 3 स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं वो CA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको UAPA के अंदर जेल में डाल दिया गया था, और एक साल के बाद उन्हें रिहा किया गया बेल ऑर्डर पे। वो भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि वी आर कंस्ट्रेंड टू एक्सप्रेस दैट इट सीम्स दैट इन इट्स एंजाइटी टू सप्रेस डिसेंट, जो स्टेट है वो डिसेंट को सप्रेस करने में इतना ज़्यादा हो गया है कि वो भूल ही गया कि राइट टू प्रोटेस्ट और टेररिज्म के बीच में एक लाइन है जो कि सेपरेट करती है इन दोनों चीज़ों में, और इसकी वजह से जो एक इंसान का राइट टू प्रोटेस्ट है उसको भी दबाया जा रहा है। तो इफ दिस माइंडसेट गेट्स ट्रैक्शन इट वुड बी अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी। तो अगर यही माइंडसेट चलता रहा तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही सैड डे होगा। लास्ट सेक्शंस जो मीडिया है वो ऑलरेडी न्यूटर्ड हो गया है, और उसके बाद बाकी सेंटर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यूज़ करता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को टारगेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को टारगेट करने के लिए। तो एक तरह ये ऑरवेलियन स्टेट क्रिएट हो गया है जहाँ पे हर पर्सन को कोर्स किया जाता है कि अपने दिमाग में एक सेंसर बांध लो कि इसके आगे तुम्हें नहीं बोलना, अगर इसके अलावा तुमने कुछ बोलना है तो तुम्हारे खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन हो सकता है, ऑनलाइन ट्रोलिंग होगी, स्पाइन चिलिंग रेप्राइजल्स होंगे। तो ऑथर ने बोला अगर ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है तो फिर आप और किसे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी बोलोगे। अभी थर्ड है अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी रिटोल्ड, तो ये भी इमरजेंसी के बारे में ही है। तो जो इम्पोजिशन हुआ था इमरजेंसी का, तो ऑथर ने बोला वो इसलिए हुआ था कि अलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें ये बोला था जो मिसेज इंदिरा गांधी वो गिल्टी हैं, करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस उन्होंने यूज़ की है इलेक्शन को जीतने के लिए, इसलिए उनको कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता, उसके बाद ही उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो उसकी वजह से उनकी ईगो शैटर्ड होगी, प्राइड बीटन, और यूनाइटेड अपोजिशन लीडर अंडर जयप्रकाश नारायण सब उनका रेजिग्नेशन मांगने लग गया, और फिर वो अपने जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे उनको शांत करने के लिए वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गए कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी अपने को साइलेंट करने के लिए। मोर देन 1 लाख पॉलिटिकल वर्कर्स, ज्यादा पॉलिटिकल वर्कर्स को जेल में डाल दिया गया, उसमें मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चरण सिंह, मतलब ये सारे लीडर्स को भी जेल में डाल दिया गया डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स और मीसा के अंदर। मीडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पोजिशंस लगा दिए गए, मैनी न्यूज़पेपर्स कैरीड ब्लैंक एडिटोरियल्स, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स तो उन्होंने अपना एक ब्लैंक एडिटोरियल छापा ये इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट जताने के लिए, प्रोटेस्ट सेंसरशिप। तो ऑथर ने बोला इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी द ऑनस्लॉट ऑफ द जुडिशरी हैड बिगन, तो इम्पोजिशन से पहले ही जो जुडिशरी के ऑनस्लॉट है वो शुरू हो गया था। मिसेस गांधी ने 3 जजेस को सुपरसीड करके जिन्होंने केशवानंद भारती में ये बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़ दे दी थी, तो उन्होंने
जस्टिस एन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, मतलब तीन जजेस को सुपरसीड करके जो चौथा सीनियर मोस्ट जज है उसको बना दिया गया था। तो इन अनदर इंस्टांस जस्टिस एच आर खन्ना वॉज सुपरसीडेड एंड जस्टिस एच एम बेग वॉज अपॉइंटेड ए सी जी आई। June 27, 1975 में एक डिक्लेरेशन आया आर्टिकल 359 के अंदर, जिसमें कोई भी इंसान कोर्ट में नहीं मूव कर सकता अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, जो कि 14/1971 है। इसके बाद अगर किसी भी पर्सन को डेथ के साथ भी थ्रेटन किया जाता तो उसके पास भी कोई रेमेडी नहीं होगी लॉ में। द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल 9 हाई कोर्ट्स दैट हैड गिवन रिलीफ टू डेटेनस एंड हेल्ड दैट पर्सन अरेस्टेड इन अ मीसा कुड नॉट फाइल रिट पिटीशन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर किसी भी पर्सन को मीसा के अंदर अरेस्ट किया जाता तो वो भी रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है। विद द एंटायर अपोजिशन इन जेल एंड द मीडिया गैग्ड, तो सारे अपोजिशन जेल में थे, मीडिया को दबा दिया गया था, गवर्नेंस थ्रू अरेस्ट इंटिमिडेशन एंड टेरर बिकेम द नॉर्म, तो ये पूरा नॉर्म बन गया था। इसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। फॉर एग्जांपल July 21 में पार्लियामेंट में 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए जिसमें इमरजेंसी को नॉन जस्टिशेबल बोल दिया गया, ठीक है। इसके बाद 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो इलेक्शंस होंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, उनको किसी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में। इसके अलावा ये बोला गया आर्टिकल 361 के तहत लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी गई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से, जो प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट है, अगर उन्हें कुछ भी किया है अपने टेन्योर में लेकिन उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। तो मतलब आप अगर एक भी दिन के गवर्नर बन गए तो आप जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल गई आपको। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेशन कुड ओनली बी डिसाइडेड बाय नो लेस देन 7 जजेस। अगर कोई भी लेजिस्लेशन है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक होगी तो 7 जज बेंच बैठेगी जिसमें 2/3 मेजोरिटी से चेक होगी। इसलिए फिर बाद में दस ऑल द लूप होल्स वर प्लग्ड, द रूल्स ऑफ द गेम वर चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली, और ये सारी चीज़ें रेट्रोस्पेक्टिवली लाएगी मतलब पिछले डेट से। द आउटकम ऑफ द केस इन द सुप्रीम कोर्ट वॉज अ फोरगॉन कंक्लूजन। फिर 1977 में जब इलेक्शन कराए गए तो जनता पार्टी पावर में आई, फिर जनता पार्टी ने वापस से ये जो सारी चीज़ें अमेंडमेंट किए गए थे उनको विदड्रॉ किया। तो द कांग्रेस वॉज वाइप्ड आउट फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड, द ग्रेट अपहीवल ऑफ द 1975 वॉज फाइनली रिवर्स्ड। 43rd और 44th अमेंडमेंट से ये सारी चीज़ें जो इंदिरा गांधी लेकर आई थी उनको हटाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को वापस से प्राइमेसी दी गई। अब 46 साल हो चुके हैं इस इमरजेंसी को लगे हुए, बट द इमरजेंसी इज अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड एंड रीटोल्ड। इमरजेंसी स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ अ फ्री प्रेस एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। इट वॉज द पीपल एंड द फेथ इन डेमोक्रेसी दैट इमर्ज एज अ ट्रू विनर्स। अब नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। यहाँ पे पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है FATF के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान ने मेजर्स तो लिए पर उसके बाद भी अप्रोप्रिएट एक्शंस नहीं लिए। 26/11 अक्यूज हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के खिलाफ, इसलिए FATF में अभी भी उन्हें ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। अब एक लिडार है, तो लिडार जान लेते क्या है। तो लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, जिसको यूज़ किया जाता है 3D इमेजेस क्रिएट करने के लिए, और उस प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है जहाँ पे सॉइल और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स का देखा जाता है, ठीक है। तो अभी ये प्रोजेक्ट दिया गया वैपकॉस को, एक PSU अंडर द जल शक्ति मिनिस्ट्री, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड अ यूनिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग लिडार टेक्नोलॉजी। तो ये ऑगमेंट करेगी कि कितना वाटर और फूड सप्लाई है जंगल्स में, ताकि जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट उसको कम किया जा सके। तो सर्वे उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज की ज़रूरत है, और बेसिकली लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प करेगा। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि लिडार क्या है, तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि 3D इमेजेस बनाती है प्रोजेक्ट सॉइल और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स के लिए। अब यहाँ पर एक नई वैक्सीन है कोवोवैक्स, जो कि इंडियन वर्जन है US बेस्ड नोवावैक्स की। तो अब इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं। तो इवन एज द Phase 3 ट्रायल्स ऑफ द कोवोवैक्स, द इंडियन वर्जन ऑफ द US बेस्ड नोवावैक्स, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही इसका प्रोडक्शन करेगा और इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए हैं। तो अभी DCGI से अप्रूवल चाह रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स चिल्ड्रन पर भी इसको शुरू कर दें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दो ये जो टाइगर रिजर्व्स हैं, उत्तराखंड फॉरेस्ट मिनिस्टर का ये कहना है जो राजा जी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व्स हैं उनको ओपन रखा जाएगा पूरे साल, पहले इनको मानसून में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि अगर ऐसा करेंगे तो जो मेटिंग है टाइगर्स की वो डिस्टर्ब होगी। तो ऑथर ने बोला है कि ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं है मेटिंग से, कंट्रेरी टू द मिथ टाइगर्स पूरे साल ब्रीड करते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हैं कि मानसून में बंद रखते हैं ताकि टाइगर मेट कर दें, तो ऐसा नहीं है, वो पूरे साल मेट करते हैं। Except when raising a litter, a tigress comes into estrus every 21 days. Even in the event of stillbirth or premature death of cubs, it comes into estrus again within a month. तो टाइगर पूरे साल करते हैं मेटिंग, तो ये तो कोई रीज़न नहीं हो सकता कि इसलिए हम मानसून में बंद रखते थे। तो द एलिफेंट द अदर आइकॉनिक स्पीशीज ऑफ कॉर्बेट एंड राजा जी, वो भी पर्टिकुलरली सिर्फ मानसून में मेट नहीं करते, वो भी कभी भी करते हैं मेट। तो वाइल एलिफेंट ब्रीडिंग इज इंडीड लिंक्ड टू रेनफॉल पैटर्न्स, दे ब्रीड राउंड द ईयर इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स लाइकवाइज,
ठीक है। तो ऑथर ने बोला फिर रिजर्व को क्यों शट किया जाता था मानसून में अगर मेटिंग रीजन नहीं था। तो ऑथर ने बोला जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर वो बहुत ही लीस्ट एक्सेसिबल होते हैं मानसून के टाइम के द्वारा, क्योंकि जो अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है ब्रांचेस की, तो उसके कारण मूवमेंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। जो गलीज होती है वो वॉशिंग ऑफ ट्रैक्स, तो मतलब जो रास्ता होता है फॉरेस्ट में जाने का वो पूरा बह जाता है। तो दिस इज वाई इवन द ट्रॉफी हंटर्स ऑफ योर पिक द रेनी मंथ्स एज द ऑफ सीजन और विंडो दे हैड टू अलाउ द एनिमल पॉपुलेशन टू रिकवर, और वो टाइम ही मिल जाता है एनिमल पॉपुलेशन को रिकवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल येलोस्टोन जो पहला नेशनल पार्क है यूएस का एंड ऑल्सो द वर्ल्ड, वो हर विंटर में शट डाउन होता है स्नो सीजन में। ऐसे ही नगर होल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व से कर्नाटका में वो भी टूरिस्ट के लिए शट कर दिए जाते हैं ड्राई समर सीजन में, ताकि एनिमल्स और जो एनिमल्स को स्ट्रेस से वो रिकवर हो सके और जो फॉरेस्ट है उनमें फायर ना लगे, क्योंकि ड्राई सीजन में फायर की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो डज ओपनिंग और शटिंग पार्क्स इंपैक्ट पोचिंग? तो हाँ, अब वाइल ओपनिंग पार्क्स टू टूरिस्ट इन द रेनी मंथ्स विल नॉट हैम्पर द ब्रीडिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ द टाइगर, लेकिन हाँ इससे नेशनल एनिमल जो रिस्क पर होगा वो उसमें दिक्कत हो जाएगी। जो पोचर होते हैं वो मानसून को अपॉर्चुनिटी मानते हैं, क्योंकि जो गार्ड्स होते हैं वो पेट्रोल नहीं कर पाते हैं उस एरिया को, उस रिजर्व एरिया को, जब वो पेट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जो पोचर्स होते हैं वो आसानी से जो एनिमल्स उनको टारगेट कर लेते हैं। इसी के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है वो ज़्यादा विजिलेंट हो जाता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन, क्योंकि मानसून सीजन को ही पोचर्स टारगेट बनाते हैं। इसलिए ये एक और रीज़न था मानसून में जो टाइगर रिजर्व से उन्हें बंद करने का, ताकि पोचर्स इसका फायदा ना उठा सकें। अब यहाँ पे बीजेपी के एमपी ने एक रिमार्क दिए थे कि नॉर्थ बंगाल में जो सेपरेट स्टेट्स कार्व आउट कर देने चाहिए जंगल महल और नॉर्थ बंगाल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दो ऐसे डिमार्केट करने की बात की गई थी, दो नए सेपरेट स्टेट्स बना दिए जाए। तो ऑथर ने बोला पहली बार ऐसा नहीं है कि नॉर्थ बंगाल में अलग स्टेट बनाने की बात की जा रही है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। जैसे कि गोरखालैंड मूवमेंट शुरू हुआ था तो वहाँ पे डिमांड उठी थी सेपरेट स्टेट गोरखास के लिए दार्जिलिंग हिल्स में और दुआर्स और सिलीगुड़ी तराई रीजन्स में, तो एक वायलेंट मूवमेंट की तरह शुरू हुआ था, बाद में पीक हो गया था, फिर उसके बाद दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल भी दे दी गई थी। ये सारी चीज़ें चली, इसके बाद दो और मूवमेंट हुए, पहला ये, दूसरा हुआ कामतापुर मूवमेंट। कोच राजवंशी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट वेस्ट बंगाल में, उनका ये कहना था कि नॉर्थ बंगाल के जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंक्लूडिंग कूच बिहार वेयर द मूवमेंट इन सेंटर्ड एज वेल एज कोकराझार, तो इन सारी जगहों पे वो चाहते थे कि एक अलग स्टेट कार्व आउट हो जाए। तो यहाँ पे कोच राजवंशी कम्युनिटी ने शुरू किया था। उसके बाद तीसरा था ग्रेटर कूच बिहार एजिटेशन, जो कि मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1998 बाई ग्रेटर कूच बिहार पीपल्स एसोसिएशन। तो वो भी चाहते थे जो प्रपोज स्टेट जो उनका कंप्राइज है वो 7 डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ बंगाल, तो नॉर्थ बंगाल में वहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है, इसलिए वो चाहते हैं कि नॉर्थ बंगाल को एक अलग स्टेट बना दिया जाए, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट जो पैरामीटर्स उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। अब एक लैम्डा वेरियंट आ गया कोविड का, तो लैम्डा वेरियंट अभी तक वेरियंट ऑफ कंसर्न नहीं है, अभी ये सिर्फ वेरियंट ऑफ इंटरेस्ट है बाय द WHO। लेकिन हम देख रहे हैं जो 80% न्यू कोविड केसेस हैं पेरू में, और जो कि अब स्प्रेड होने चिले, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, मैक्सिकन, इक्वाडोर में। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि इट इज़ पॉसिबल द स्ट्रेन इज मोर इजीली ट्रांसमिसिबल, लेकिन अभी इनफ डेटा नहीं है प्रूफ करने के लिए कि इतनी डेंजरस है या नहीं है। अब ड्रैगन मैन साइंटिस्ट ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट अ मैसिव फॉसिलाइज्ड स्कल दैट इज एटलीस्ट 140,000 ईयर्स ओल्ड इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ एंशियंट ह्यूमन फाइंडिंग दैट पोटेंशियली चेंज साइंटिस्ट व्यू ऑफ हाउ एंड इवन वेयर आर स्पीशीज होमोसेपियंस इवॉल्व। तो एक स्कल मिला है जो कि 140,000 ईयर्स पुराना है, तो इससे होमोसेपियंस कैसे है उसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जो कि आज तक थ्योरी चल रही थी। तो जो स्कल है वो एक मैच्योर मैन को बिलोंग करता है और ये बेसिकली चाइना में मिला है और इसका नाम ड्रैगन मैन दिया गया है। रिसर्चर्स ने नेम किया है न्यू स्पीशीज होमोलोंगी एंड गिव इट द निकनेम ड्रैगन मैन फॉर द ड्रैगन रिवर। इसको ड्रैगन मैन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ड्रैगन रिवर के आसपास मिला है, जो कि नॉर्थ ईस्ट चाइना में है, वहाँ पर इसकल डिस्कवर किया गया। तो अभी तक ये माना जाता था जो नियंत्रण है वो एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज के ज़्यादा आसपास मिलते हैं, जो आज की ह्यूमन स्पीशीज है उसके पास अगर देखें तो क्लोजेस्ट ह्यूमन स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हुई है तो वो नियंथ्रेडल्स हैं। लेकिन अगर इस स्कल के मिलने के बाद ये लग रहा है कि होमोलोंगी हो सकते हैं, जो कि एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज जो हो गई उससे आज की ह्यूमन जो सबसे ज़्यादा करीब है तो वो होमोलोंगी के होंगे, लेकिन अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है। तो जब अप्रूवल मिल जाएगा तब पता चलेगा ऐसा है कि नहीं है। अब टैक्स रिलीफ ऑन एक्स ग्रेशिया फॉर कोविड डेथ्स एड फॉर ट्रीटमेंट कॉस्ट। तो अगर एक्स ग्रेशिया के चलते कुछ भी कोविड ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे मिले हैं तो उस पर जो टैक्स है वो नहीं लगेगा। तो इन लाइट ऑफ द सेकंड कोविड वेव्स इंपैक्ट ऑन द इकॉनमी द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर मॉनेटरी एड्स रिसीव बाय पीपल। तो कोई भी मॉनेटरी एड्स मिली है कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए। इट ऑल्सो गेव टैक्स एग्जेम्पशन टू एक्स ग्रेशिया रिसीव बाय किन ऑफ द डिसीज्ड। अगर किसी मृत व्यक्ति के परिवार वालों को कुछ एक्स ग्रेशिया में पैसा मिला है तो ये सारा पैसा एग्जेम्प्टेड टैक्स से और ये वेवर 10 लाख तक अवेलेबल है कि 10 लाख तक अगर आपको मिला है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ने आपको 10 लाख तक पैसे दिए हैं, आपने कोरोना वायरस के चलते किसी को खोया है, तो उसमें कोई भी टैक्स सारे टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट नो इनकम टैक्स लाइबिलिटी अराइजेज ऑन दिस अकाउंट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू द अमाउंट रिसीव बाय अ टैक्स पेयर।
अब अमंग अ होस्ट ऑफ ड्यू डेट एक्सटेंशन, तो सीबीडीटी ने ये भी एक्सटेंड कर दिया जो लास्ट डेट थी लिंकेज की आधार को पैन कार्ड से, तो उसे एक्सटेंड करके अब 30 सितंबर 2021 कर दिया है। आई होप आपको न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।